अलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 21 इंच का टीवी है सोनी का जी। इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें डिस्प्ले वगैरह ये देख ले आ रही है, ठीक है जी। लेकिन इसमें जब भी हम आडी वडी वगैरह लगाते हैं या नशरियात वगैरह लगाते हैं, उस वक्त इसमें ये रस्ट वगैरह नहीं आता। ये आप देख लें, इसमें ये नशरियात है, ये चैनल आ रहे हैं, ठीक है जी। आवाज़ तो उसकी आ रही है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड पे जो मच्छर आता है, रस्टर आता है, वो इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इसमें आडी वडी वगैरह पर लगाएं, ये इसकी लैंग्वेज चेंज है, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। ये आप देख लें, इसकी लैंग्वेज ठीक हो चुकी है जी, ये देख लें आप। लेकिन ये इसमें रास्टर वगैरह नहीं आ रहा, ये ऐसे ही हरकत कर रहा है। वैसे इसमें ये स्क्रीन वगैरह वो स्वैट डिस्प्ले के इसमें कोई चीज़ और शो नहीं होती। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक कराता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत नहीं है। ये अब मैंने इस टीवी को ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले तो इसके सप्लाई वगैरह के वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, उसके आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, किस वजह से ये इसके वोल्टेज वगैरह नहीं बन रहे, या क्या कौन से वोल्टेज है इसके बंद है जिसकी वजह से इसमें ये रास्टर नहीं आ रहा, सिर्फ लाइट आ रही है। डिस्प्ले तो आ रही है लेकिन रास्टर वगैरह नहीं आ रहा, ना वीडियो इसमें शो हो रही है। मैंने अब इसको पावर दे दी है। अब मैं सबसे पहले तो इसके सप्लाई के वोल्ट वगैरह चेक करता हूँ, उसके आगे चेक करके बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। ये इसकी सप्लाई आ रही है 135 वोल्ट, ठीक है जी, क्योंकि ये वाला ऐसी 135 का इसका लगाया गया, ठीक है, इसलिए ये 135 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके साउंड के लिए आ रहे हैं 21 वोल्ट, ठीक है। ये सप्लाई तो इसकी ओके हो चुकी, सप्लाई में तो ये फॉल्ट है नहीं। ये एच आउटपुट पर भी वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि सेट तो हमारा ऑन है लेकिन सिर्फ लाइट का प्रॉब्लम है, इसमें रास्टर नहीं आ रहा। उसके लिए हमारा ये प्रॉब्लम आता है कि इसमें जो गन्ने हैं उनके वोल्ट अगर कम हो तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। ये देख लें, ये इसके गन्नों के वोल्ट हैं 1.4, ये दूसरी के, ये तीसरी के, ठीक है जी। ये इसके या ग्राउंड आई के वोल्ट होंगे गलबन, ये इसके ये आई के वोल्ट हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये इसके 9 वोल्ट हैं, वोल्ट तो इसके सभी आ रहे हैं लेकिन सिर्फ गन्नों के वोल्ट कम आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारे इस टीवी में रास्टर वगैरह नहीं बन रहा, लाइट मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही, रोशन नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद ये इसके वर्टिकल के वोल्ट भी मैं आपको चेक करा दूँ। ये वाले रिसेंसर जो मैंने बैर इसमें निकाली है, ठीक है जी, इसकी जगह पर मैं इस जगह पर और रिसेंस लगाने लगाऊँ, ठीक है जी। ये इसकी वैल्यू के में होती है, ओम में नहीं होती, ठीक है, इसलिए मैं इसमें और के की एक रेजिस्टेंस लगाने लगता हूँ, वो कौन सी मैं आपको बता देता हूँ, 270 के जी, ये वाली, ये देख लें, ये वाली रेजिस्टेंस मैं इस जगह पर लगाने लगा हूँ, 270 के इसकी वैल्यू। ये अब मैंने इसमें रेजिस्टेंस लगा दी है 270 के की, ये वाली, ठीक है जी। अब मैं आपको इसके वोल्टेज वगैरह भी चेक करा देता हूँ कि अब ये वर्किंग पे है कि नहीं, अब ये वोल्टेज दे रही है या नहीं दे रही। ये जो मैंने अब रेजिस्टेंस लगाई उसके बाद इसके वोल्टेज चेक कर लें इस जगह पर, ये आप देख लें 6.7.5, ये अप डाउन हो रहे हैं हल्के से, ये वोल्ट आ चुके हैं 7 वोल्ट, ठीक है, इस जगह पर ये इसके रेजिस्टेंस लगाने पर आए हैं, ठीक है जी। और इसके जो अब ये 1.2 और 4 वोल्ट आ रहे थे ये गन्नों पर, ये आप देख लें 1.8 वोल्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। ये इसके आगे भी चेक लें 1.7, और ये भी 1.6 और 1.6 आ रहे हैं, ठीक है जी। ये अब इसके वोल्टेज बढ़ चुके हैं, जो पहले ये 1.4 आ रहे थे, ठीक है। और अब हमारा ये इस टीवी ने रास्टर भी दे दिया, मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ, इसकी वीडियो वगैरह लगा कर भी चेक करा देता हूँ। यह मैंने इसकी किट की फिटिंग कर दी है, ठीक है जी। अब मैं इसको आड़ी वीडियो वगैरह लगा कर मैं आपको फ्रंट से भी इसके फोटो वगैरह चेक करा देता हूँ, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं कि आप हमारा टीवी ये मुकम्मल तौर पर वर्किंग पे है। इसकी पिक्चर भी आ चुकी है जो पहले नहीं आ रही थी, और आवाज़ भी इसकी आ रही है, ठीक है जी। इसका फॉल्ट ये इसके डिस्टेंस का ही मिला है और इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।